If you apply a little creativity, you can certainly turn any common into something fun. And that's exactly what we are doing today, turning old plastic oil containers into some really pretty creations. Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing great and safe at home. So before starting the video, if you are new to my channel, then please do consider subscribing my channel and hit the bell icon to get the notification of all my new videos. So without further ado, let's start this video with this beautiful face planters. तो इसके लिए मैंने लिया है ये ऑयल का कंटेनर। इसके ऊपर का लेवल को निकालने के लिए एक इजी वे ये है कि इसमें हम कुछ टाइम तक ड्रायर चलाएंगे एंड देन इसका ये जो लेवल है बहुत इजीली निकल आता है। ये वाली साइड में हम प्लांट लगाएंगे तो इससे मुझे करना होगा कट। सो इसे कट करूंगी मैं एक शार्प नाइफ से, जिसको हम गरम करके कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। ऑल राइट, देन मैंने लिया है व्हाइट चॉक पेंट एंड ब्लैक एक्रिलिक कलर। हम यहाँ ओनली एक्रिलिक पेंट का भी यूज कर सकते हैं। मैं इन दोनों को मिक्स करके ग्रे कलर रेडी कर लूंगी। देन इसमें हम मिक्स करेंगे बेकिंग सोडा। इनका प्रोपोर्शन जो है वो इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए। देन हम इसे बॉटल पे अप्लाई करेंगे यूजिंग अ फ्लैट ब्रश। सो द बिकॉज ऑफ बेकिंग सोडा, सी द टेक्सचर ऑफ द पेंट ऑन द कंटेनर आफ्टर इट्स गेट ड्राइड। ये एक बहुत ही नाइस टेक्सचर का लुक देगा। ओके, तो ये ड्राई होने के बाद हम इसमें करेंगे आईज। इसके लिए मैंने यूज किया है मोल्डेड क्ले। सिमिलरली मैंने और एक कंटेनर पे व्हाइट एंड रेड कलर मिक्स करके ये पिंक का एक शेड बनाया है एंड इससे इस कंटेनर को पेंट कर लिया है। देन इसके नोज रिंग के लिए मैंने लिया है मेरा एक ओल्ड इयर रिंग्स। इसको कुछ इस तरह से हम इसमें लगा लेंगे। दैट्स ऑल, दिस फेस प्लांटर सेट इज रेडी नाउ। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने सेकेंड वाले प्लांटर पे। इसके लिए मैंने लिया है ये वाली ऑयल कंटेनर। इसका जो लेवल है इसको भी सेम वे में हम इसे इसमें से निकाल लेंगे। देन इसमें मैं पेन से रफली ड्रॉ कर लूंगी कि मुझे इसे कैसे कट करना है। कटिंग प्रोसेस भी सेम है, नाइफ को गर्म करके इसे कुछ इस तरह से मैंने कर लिया है कट। देन बाकी के डिजाइन मैंने किया है मोल्डेड क्ले से। क्ले वर्क सारा अच्छे से ड्राई होने के बाद मैंने इसमें अप्लाई किया है जेसो का एक कोट। एंड देन उसके ऊपर ये ऑफ व्हाइट कलर का चॉक पेंट। देन इसे कलरफुल बनाने के लिए मैंने यूज किया है ये सारे कलर्स। कलर्स कैन बी एक्रिलिक और चॉक पेंट। सो आफ्टर ऑल द वर्क वी हैव टू सील दिस विद दिस वार्निश। That's all. So in almost a zero cost, we have prepared two such amazing trendy planters for our garden and home. So if you really like my idea today, then do not forget to give it a thumbs up. With that, we come to the end of our video today. See you all soon with my new video. Till then, stay
स्टे होम स्टे सेफ। बाय बाय।